गुड मॉर्निंग बेटा, मैं रेनू साइंस मिस्टर थोनू करा रही सी सूखम जीव मित्र ते दुश्मन। अज असी करन लगे हैगे आ पार्ट सैकेंड इसका। जेड़े सूखम जीव आ लाभदायक भी होंदे हन। किवें लाभदायक हन? जिवें खमीरीकरण, खमीरीकरण दे विच असी की है, आटा लो तुसी, उहदे विच आटा गुन्न के उहदे विच खमीर पा लो। ठीक है, गुन्नण दे समें तां खमीर की करनगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनगे। जदों मल्टीप्लाई करते हैं एज ए रिजल्ट बडिंग होएगी, खमीरीकरण किरिया होएगी, तो आटा फुल जाता। इस किरिया नूं असी फरमेंटेशन किरिया कहने हैगे आ। फरमेंटेशन दे राही तुसी की है ब्रैड वगैरह केक वगैरह बनाने हो। बेकरी इंडस्ट्री दे विच फरमेंटेशन नूं वरत्या जाता हैगा, और शराब बनाने लई भी इस दी खमीरीकरण किरिया दी, दुध डबल रोटी वगैरह बनाने लई और शराब बनाने लई अलकोहल बनाने लई असी खमीरीकरण किरिया फरमेंटेशन रिएक्शन नू यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दे करके आटा की है फुल जाता है। इस तो बाद 1857 ईस्वी विच लुईस पाश्चर ने दुध की पाश्चराइजेशन करके दुध नू अल्ट्रा हीट किया, टैंपरेचर ते गर्म करके 72 डिग्री सैलसीयस तक गर्म करके फिर दुध नू ठंडा किया जाता। फिर 135 डिग्री सैलसीयस तक दोबारा हीट करके इसनों जीवाणु रहित बनाया ताकि दुध दे विचले जीवाणु बैक्टीरिया मर जाण ते दुध नू लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके। इस दी खोज लुईस पाश्चर ने की, इस करके इस विधि नू पाश्चराइजेशन विधि किया जाता है। दुध नू गर्म करके कीटाणु रहित करना। कई तरह दियाँ प्रतिजैविक दवाइयाँ जिमें कि स्टेप्टोमाइसिन, टैट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इन्हां सारियां दवाइयां नू असी एंटीबायोटिक दवाइया कहने हैं। प्रतिजैविक दवाइया ये की होंदिया हैं? प्रतिजैविक दवाइया इन्हों की खोज किसने की? सब तो पहली प्रतिजैविक दवाई एंटीबायोटिक्स केड़ी सीगी? तो इन्हों सारिया दे बारे असी जानते हैं। अलैगजेंडर फ्लैमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। उसने पेंसिलिन की खोज किवें की? उसने अलैगजेंडर फ्लैमिंग ने पेंसिलिन की खोज 1929 ईस्वी। पेंसिलिन की है एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई हैगी है। उसने एक पैटरी डिश दे विच उल्ली ग्रो हुंदी देखी। ठीक है, जिस दे वादे दे करके कुछ जीवाणु मर रहे सी, वायरस वगैरह मर रहे सी। तो उसने अज ध्यान नाल ऑब्जर्व किया कि कुछ उल्लियाँ साडे लई लाभदायक भी हैं जिन्हां दे करके विषाणु की है मर रहे हैं। तो इदा सब तो पहला पेंसिलिन नाम की दवाई की खोज हुई। तो यह अध्ययन उसने कदों किया? जदों पेंसिलिन की नाम की उल्ली का अध्ययन कर रहा सीगा। तो इस तरह अलैगजेंडर फ्लैमिंग द्वारा पेंसिलिन की खोज हुई। उस तो बाद वैक्सीनेशन या टीकाकरण, एडवर्ड जीनर, यह एक क्वेश्चन भी, ठीक है, KBC या जो भी है न्यूज़ चैनल्स से चलते हैं क्यूज, उहदे विच पूछा गया कि स्मॉलपॉक्स चेचक दे टीके की खोज कदों हुई, किसने की? एडवर्ड जीनर ने। एडवर्ड जीनर ने क्या किया? टीकाकरण वैक्सीनेशन की खोज की। इन किहड़े साल च की? एडवर्ड जीनर ने 1798 च। उसने वैक्सीनेशन टीकाकरण हुंदा की है, इस दे विच एंटीबॉडीज़ पाई जांदियां हन सेम बीमारी दे रोगजनक बीमारी वाले ही कीटाणु भेजे जाते हैं, जेडे कि अंदर जाके बॉडी दे अंदर जाके एंटीजन्स प्रोड्यूस करनगे। टीकाकरण नहीं ओह एंटीजन साडे बॉडी च इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो सानू रोग नाल लड़न की समर्था पैदा करते हैं। तो टीके दे विच केड़े जवानु हुंदे हन? जेड़े रोग वाले जवानु ही हुंदे हन, उस तो ज़्यादा ताकतवर वह बॉडी दे विच जाके एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन बढ़ाने लई कई बच्चों नू पोलियो हो जाता सीगा, पोलियो दे करके भारत सरकार ने जड़ा हैगा प्रोग्राम चलाया 2 बूंद जिंदगी दी, हर एक छोटे बच्चों नू 2 बूंदा पिलाईया जांदियां हन, जिस दे नाल कि उस दा क्रिपल जा पैरालिसिस होने का डर खत्म हो जाता है। तो एक अभियान हैगा जिस दे विच पल्स पोलियो प्रोग्राम। रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी दे विच
बैसिलस उसने देखा कि कई जीवाणु विषाणु पशुओं के मूँह तो खुर की बीमारी करते हैं। मूँह तो खुर के छाले अलसरेशन हो जाती है, तो यह किस विषाणु वायरस के करके हो रहा है? बैसिलस एंथ्रेक्स दे। और उसने इस तो अलावा टीबी ते कोलरा हैजा दे वायरस नू भी सैपरेट किया। इसका रॉबर्ट कोच ने 1876 एंथ्रेक्स नाम के विषाणु की खोज की। इस तो बिना जेडे वायरस हैगे है बैक्टीरिया उल्ली फंजाई ये साढ़े लिए लाभदायक भी हैं। क्यों लाभदायक हैं? भूमि की उपजाऊ शक्ति वधांदे हैं और वातावरण नू साफ रखते हैं, ठीक है, वातावरण की सफाई करते हैं। जिमें एना बिना नॉन स्टॉक वगैरह ये की करते हैं, एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन नू नाइट्रेट्स च बदल देंगे, जिन्हों फलीदार पौद्या दिया जड़गंडा दे विच राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन नू नाइट्रेट्स च बदलूगा और पौद्या दिया जड़ा जो है उन्होंने भूमि चो अबजॉर्ब करनगियां। इदा नाइट्रोजन प्रोटीनस अमाइनो एसिड च तब्दील हो जाते हैं। एटमोसफीयर च 78% की होंगी है नाइट्रोजन होंगी है, ठीक है, तो वह फलियां दे विच जमा हो जाती है। जो असी उन्होंने खाने तो वह प्रोटीन साड़ी बॉडी दे विच असिमिलेट होके साड़ी बॉडी की ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट कर दिया हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जिहड़ा कि लिगमिनस प्लांट दियां जड़गंडा दे विच रहिंदा, तो वह जो आकाशी बिजली या थंडर बोल्ट हुंदा उस टाइम यह जो चेंज हो जाता है नाइट्रोजन नाइट्रेट च बदल दिंदा। प्लांट्स दियां रूट्स उन्होंने अबजॉर्ब करनगियां खाद के रूप च, तो जाके अमाइनो एसिड प्रोटीनस बनाएगा और जो जीव जंतु मर जाते हैं तो नाइट्रोजन का उन्होंने अपघटन राही नाइट्रोजन द्वारा वायुमंडल च मिक्स हो जाती है। हुण तक असी की पढ़िया है, कई तरह के बैक्टीरिया वायरस उल्ली फंजाई जिन्हां दे अलग अलग आकार होंदे हन, अलग अलग ठीक है शेप है स्ट्रक्चर हैगी है, तो इन्हां दे बारे पढ़िया हैगा। अदू बाद जिहड़े आह जीवाणु विषाणु उल्ली काई ये सारे सानू रोग भी पैदा करते हैं। इन्हां इन्हां रोगों नू कॉम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जिमें हैजा जुकाम चिकन पॉक्स टीबी वगैरह लाग दे रोग जा कॉम्युनिकेबल डिजीज़। सानू जिमें साड़ी समझ शक्ति का चला जाना, साड़ी रोगों नाल लड़न की समर्था घट जाना, इंडाइजेशन हो जाना, फूड पॉइजनिंग जिन्हों बोटुलिज्म कहने हैगे, ये सारे विषाणुओं के करके, घबराहट होना, ये सारे इनफेक्शनस के करके, इनफेक्शन कादे करके होंदी है जीवाणुओं के करके। क्यों होंगे सानू पता ही नहीं होंगे, साढ़े हत्थों से बहुत सारे विषाणु कीटाणु जीवाणु उल्ली काई वगैरह लगती है। जो असी एक दूजे के आपसी संपर्क के आते हाँ जिमें कोई ठीक है तो वो साढ़े अंदर चले जाते हैं, जिस करके सानू कई तरह के रोग हो जाते हैं। जिमें जुकाम है चिकन के नाल फैलता हैगा एक रोगी तो इनफेक्टेड परसन लई जा हाथ मिलान दे नाल, तां इदां दे कई तरह के रोग। जिमें प्यारे विद्यार्थियों तुसी देख सकते हो, मान लो किसी क्लास च किसी बच्चे नू जुकाम है तो वह चिक रहा हैगा, उस दे दिया ड्रॉपलेट्स दे विच हवा पानी हवा विच फैलदियां हन और विषाणु एक स्टूडेंट तो दूसरे बच्चे दे विच हेल्दी मनुख दे विच चले जाते हैं हवा राही, ठीक है, ड्रॉपलेट्स राही। और मलेरिया सानू फीमेल एनाफिलीज मच्छर दे कट्टन नाल हुंदा है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर दे कट्टन नाल प्लाजमोडियम बाईवैक्स नाम का प्रोटोजोन खून दे विच चला जाता है, ब्लड दे विच उत्थों वह कित्थे जाऊगा, लीवर दे विच मल्टीप्लाई करके आरबीसीज नू की कर दिंदा है, डैमेज कर दिंदा है। तो साढ़े आरबीसीज क्या होंगे दी कमी हो जाएगी, जिस दे रिजल्ट वजो मलेरिया हो जाता है। मलेरिया किहड़े मच्छर दे कट्टन नाल हुंदा है? मादा एनाफिलीज मच्छर दे कट्टन दे नाल हुंदा है। इस तरह डेंगू रोग मादा एडीज मॉस्किटो दे करके हुंदा है।